हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कैसे ब्रेडबोर्ड पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को ब्रेडबोर्ड यूज़ करने नहीं आता है तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे ब्रेडबोर्ड यूज़ किया जाता है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को 6 अलग अलग टाइप की सर्किट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सर्किट से, जो सीरीज़ में कनेक्टेड है सारे रजिस्टर। तो पहले जो R1 है उसको किधर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने R1 को किधर भी कनेक्ट किया। फिर R2 को R1 के पिछले वाले भाग में कनेक्ट करना है। R3 को R2 के पिछले वाले भाग में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से बैक टू बैक कनेक्टेड है, ये देखिए। ठीक है, और आप यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा सकते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये नॉर्मल एक सीरीज सर्किट हो गई। अब मैं आप लोगों को पैरेलल सर्किट कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। पैरेलल के लिए भी R1 को कैसे भी कनेक्ट कर दीजिए कहीं भी। फिर R2 को उसके एग्जैक्ट नीचे कनेक्ट कीजिए, R3 को भी उसके एग्जैक्ट नीचे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, जो R1, R3 और R2 एक सेम उसमें कनेक्ट होने चाहिए और यहाँ पे भी एक सेम उसमें कनेक्ट होने चाहिए। अब नेगेटिव सप्लाई मैंने यहाँ से दे दिया, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से दे दिया। ठीक है, ये तो होगा नॉर्मल पैरेलल सर्किट। अब मैं सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन वाली एक सर्किट दिखा देता हूँ, तो जिसमें R1 को आप रैंडमली कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर R2 को यहाँ पे कनेक्ट करना है और किधर पे भी आप डाल सकते हैं। तो R1 और R2 का एक शॉर्ट होना चाहिए और R3 भी R1 के उसमें शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीनों एक ही टर्मिनल में कनेक्टेड है, मतलब तीनों एक ही लाइन के होल में कनेक्टेड है। यहाँ पे भी आप सर्किट में भी देख सकते हैं, यहाँ ये भी वायर सेम है, ये भी वायर सेम है और ये वायर भी एक एक जंक्शन पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम मिलने चाहिए। और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी दूसरे सर्किट देख लेते हैं। तो ये सर्किट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये देखिए खाली दिखने में अलग दिख रही है दोनों सर्किट, लेकिन फिलहाल ये दोनों सर्किट लगभग लगभग सेम ही है। इसमें खाली एक एक्स्ट्रा रजिस्टर R4 ऐड हो गया है, तो वो R4 को ऐड करने के लिए आप इस सर्किट में ही, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो सेम होल में ही कनेक्ट करना है। तो अभी देखिए सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ये 2 3 4 चारों एक ही होल में कनेक्ट होने चाहिए, मतलब क्योंकि एक चारों एक एक जंक्शन बना रहे, तो चारों एक होल में कनेक्ट हो गए और यहाँ पे तीन। ठीक है, तो तीन यहाँ पे कनेक्ट हो गए एक ही सेम उसमें, तो यहाँ पे नेगेटिव उसके एग्जैक्ट नीचे ही आएगा और पॉजिटिव R1 के यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया R1 के यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को दूसरी सर्किट दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, यहाँ पे R1 को रैंडमली कैसे भी कनेक्ट कर देना है। R1 को कनेक्ट कर दिया, फिर R2 को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए ये बात का ध्यान रखिए कि ये एक सेम उसमें ना कनेक्ट हो, ये किधर दूसरे जगह पे कनेक्ट, या आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहीं पे कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर R3 के लिए, R3 और R1 सेम उसमें कनेक्ट है, मैंने सेम उसमें कनेक्ट कर दिया। देखिए ये जो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, ये देखिए सेम तीनों एक ही उसमें कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए सर्किट में भी ये तीनों एक ही उसमें कनेक्ट हैं। ठीक है, फिर R4 कनेक्ट कर लेते हैं। तो R4 और R2 का पिछला भाग सेम उसमें कनेक्ट है, तो ये इसमें सेम में कनेक्ट करेंगे और R4 रैंडमली किधर भी कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्ट कर दिया। तो R4 का जो स्टार्टिंग भाग है वो इधर साथ में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, R5 कनेक्ट कर लेते हैं।
तो R5 R3 के साथ शॉर्ट है, तो ये मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, इसको इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। R6 जो है वो भी साथ में ही इसके शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे R6 मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे तीन एक 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 ही होल में रजिस्टर लगे हैं। यहाँ पे सर्किट के अकॉर्डिंग भी ये एक दो और ये तीन, ये तीनों एक साथ कनेक्ट हैं। फिर यहाँ पे एक दो तीन, ये यहाँ पे भी एक दो तीन एक साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे दो एक साथ कनेक्टेड है, और इस जगह पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन एक कनेक्टेड है। और आप नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट, आपको अभी नेगेटिव सप्लाई R2 के साथ देना है जहाँ पे ये R4 और ये कनेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव सप्लाई दे दिया और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, अब मैं आप लोगों को थोड़ी अलग टाइप की सर्किट दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे R1 को कनेक्ट कर दिया, और R2 को भी कनेक्ट कर दिया, R3 को, देखिए R3 जो है वो इधर से शॉर्ट है, तो R3 को R1 के लास्ट वाले भाग में कनेक्ट करेंगे, एंड इसको ऐसे रैंडमली किधर भी लगा देंगे। फिर R4 जो है वो भी R1 के इसके साथ शॉर्ट है, तो वो भी इधर शॉर्ट हो गया, और इसका ये सेम होल में कनेक्ट होना चाहिए, तो सेम होल में लगा दिया। R5 भी सेम होल में लगा देंगे, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे नेगेटिव मैंने लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो।